मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक क्रिएचर से लड़ते हुए देखते हैं। उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस मॉन्स्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर कमजोर पड़ रही होती है। और तब उस मॉन्स्टर को हराने के लिए स्ट्रेंज उस लड़की के पावर को ही छीनने लगता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है, पर उससे वो पावर लेकर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को मार सकता है। वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर रही थी क्योंकि उसके पावर को छीन लेने से वो भी जिंदा नहीं बचेगी, पर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसे उसकी कुर्बानी देनी होगी। पर तभी वो मॉन्स्टर स्ट्रेंज को पकड़कर ऊपर उठा देता है और उसे मारकर वहीं नीचे पटक देता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़कर उसके पावर को छीनने लगता है, पर उस लड़की की पावर की वजह से वहाँ मल्टीवर्सेस पोर्टल खुलने लगते हैं। स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर पर हमला करके उस लड़की को उस पोर्टल के अंदर भेज देता है, पर यह सारा कुछ स्ट्रेंज का सिर्फ एक सपना था। वो उठकर तैयार होने लगता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी में पहुंचता है। वहाँ वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो सॉरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की, पर वो इस बात से खुश है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुशी से रह सकती है। तभी बाहर शहर में किसी का हमला होता है और स्ट्रेंज शहर को बचाने के लिए जाता है। वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस एक बस को उठाए हुए था जिसमें एक लड़की थी। स्ट्रेंज उस लड़की को उस बस से बाहर निकालता है और उस ऑक्टोपस से लड़ने लगता है। स्ट्रेंज उस लड़की को देखकर कहता है कि शायद वो उससे पहले भी मिल चुका है। ये वही लड़की थी जिसे उसने कल सपने में देखा था। तभी वो ऑक्टोपस स्ट्रेंज को पकड़कर पास के बिल्डिंग में फेंक देता है जहां वो बेहोश हो जाता है। वो फिर से उस लड़की को पकड़ लेता है। तभी वहां वोंग आकर उसे उससे बचाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, पर बहुत जल्द वो वोंग को भी अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है और दोबारा उस लड़की के पीछे जाता है। पर स्ट्रेंज का कोट उसे इस बार उससे बचा लेता है और तब तक स्ट्रेंज भी वापस आ जाता है और वोंग को उससे छुड़ाता है। वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करने लगते हैं, पर वो दोनों उसके आगे कमजोर पड़ रहे थे। इस बार उसने स्ट्रेंज को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी स्ट्रेंज का कोट उड़ता हुआ आता है और ऑक्टोपस की आंख को ढक लेता है। स्ट्रेंज तुरंत वहाँ एक पोल की मदद से उस ऑक्टोपस की आंख बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। उसके बाद स्ट्रेंज उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा। वो लड़की उसे बताती है कि वो उसका सपना नहीं बल्कि एक दूसरा यूनिवर्स था जिसमें उसका ही एक अलग वजन उसके साथ एक मॉन्स्टर से उसे बचा रहा था। वो उसे बताती है कि वो ऑक्टोपस उसे किडनैप करना चाह रहा था क्योंकि कुछ डेमन्स हैं जो उसके पावर्स को छीनना चाहते हैं। वो बताती है कि उसके पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है, पर वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जब भी उसे कभी डर लगता है तब वो पावर अपने आप एक्टिवेट होने लगती है और मल्टीवर्स के पोर्टल खुलने लगते हैं। स्ट्रेंज उससे पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा उन डेमन्स को हराने का। वो कहती है कि एक बुक है, बुक ऑफ वेसांटी, जिसकी मदद से वो डेमन्स को हरा सकते हैं। वोंग कहता है उस बुक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, पर वो लड़की कहती है कि वो स्ट्रेंज के साथ उस बुक तक लगभग पहुंच चुकी थी, पर डेमन्स ने आके उन्हें रोक दिया और वो यहाँ इस यूनिवर्स में आ गई। स्ट्रेंज कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ उसका एक सपना था। वो लड़की उसे प्रूफ के तौर पर दूसरे यूनिवर्स के स्ट्रेंज की लाश को दिखाती है जो उसके साथ यहाँ आ गई थी। ये देखकर स्ट्रेंज और वोंग को भी अब उस लड़की पे भरोसा हो जाता है कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। स्ट्रेंज वोंग से कहता है कि इस लड़की की जान पे बहुत खतरा है, उन्हें इसे सेफ रखना होगा। वोंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम उन्हें अमेरिका चैविस बताती है। वोंग उसे उनके साथ कमरतार चलने को कहता है क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी। वो स्ट्रेंज की लाश को वहीं दफना देते हैं। आगे हम वांडा को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे एंजॉय कर रही होती है, पर यह सब उसका सिर्फ एक सपना था जिसे वो वास्तविकता में बदलना चाहती थी। वो अपने गार्डन में फूल तोड़ रही होती है तभी उससे मिलने स्ट्रेंज आता है। वो उससे मल्टीवर्स के बारे में पता करने आया था। वो उसे बताता है कि उसके पास एक लड़की आई है किसी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डेमन्स उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसके पावर्स को हासिल करना चाहते हैं। वो लोग उसे कमरताज लेके आए हैं ताकि वो फिलहाल सेफ रह सके। स्ट्रेंज वांडा से कमरताज आकर एक बार उस लड़की से मिल लेने को कहता है। वांडा उससे कहती है कि तुम अमेरिका को यहाँ उसके पास क्यों लेकर नहीं आ जाते, वो उसके साथ सेफ भी रहेगी। पर स्ट्रेंज सोच में पड़ जाता है क्योंकि अभी तक उसने वांडा को उस लड़की का नाम नहीं बताया था, पर उसे पहले से ही उसका नाम पता था। पर तब वांडा उसके सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है। वांडा अब स्कारलेट विच बन चुकी थी। स्ट्रेंज देखता है उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ उसी पे हावी हो गई थी। वांडा उससे कहती है कि इस बुक की मदद से उसके पास वो सब वापस आ सकती है जो कभी उसका हुआ करता था। वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी और वहाँ चली जाएगी जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है। इस पर स्ट्रेंज कहता है कि उसके बच्चे कभी रियल नहीं थे, उसने उन्हें अपनी मैजिक से बनाया था
और अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर के लॉ का उल्लंघन होगा, और अगर उसने चैविस से उसका पावर छीन लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। वांडा उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे मुंह से ये नेचर के लॉ के उल्लंघन वाली बात सही नहीं लगती, क्योंकि उसने भी तो वही किया था थानोस को टाइम स्टोन देकर। तुम नियम को तोड़कर हीरो बन जाते हो, और अगर वो ऐसा करे तो वो उसके लिए दुश्मन बन जाती है। वो कहती है कि आज सूरज डूबने के पहले वो लोग चैविस को शांति से उसके हवाले कर दे, और उसके बाद वो उसे कभी नहीं दिखेगी। स्ट्रेंज कहता है कि क्या होगा अगर वो ऐसा नहीं करते। वो कहती है कि फिर उसे लेने वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच आएगी। स्ट्रेंज कमर ताज जाकर वॉन्ग को सारी बात बताता है। स्ट्रेंज सबसे कहता है कि अगर स्कारलेट विच को चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को गुलाम बना देगी। वॉन्ग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तैयार होने को कहता है। सारे लोग कमर ताज की हिफाजत के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, और तभी कुछ देर बाद पूरे कमर ताज के आसपास काला धुआं उठने लगता है और वांडा उनके सामने आती है। स्ट्रेंज जाकर उससे बात करता है और उसे ये सब रोकने को कहता है, पर वो नहीं मानती है और स्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो स्ट्रेंज पे हमला करती है, पर उसके आगे कमर ताज के लोगों ने एक मजबूत शील्ड बना दिया था जिसपे वांडा का कोई पावर काम नहीं करता है। वो कमर ताज पे भी हमला करती है, पर हर जगह उन लोगों ने शील्ड बनाई हुई थी। वांडा अपनी दूसरी चाल चलती है, वो वहाँ एक आदमी के दिमाग में जाती है और उसे वहाँ से भागने को कहती है, जिसकी वजह से उनका शील्ड टूट जाता है, और उसके बाद वांडा वहाँ पे हमला करती है। कुछ देर तक वो सब वांडा के वार को झेलते हैं, पर बहुत जल्द वो सब उसके आगे हार जाते हैं। वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देती है, पर तब तक स्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए उसे वहाँ से कहीं और छुपा देता है और खुद जाकर वांडा के सामने खड़ा हो जाता है। वो वांडा को मिरर इल्यूजन में फंसा देता है जहाँ उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे, पर वो अपने रिफ्लेक्शन के थ्रू उन तक पहुँचने की कोशिश करने लगती है। स्ट्रेंज और वांग जल्दी से वहाँ के सारे रिफ्लेक्शन वाली चीज़ों को ढकने लगते हैं, पर किसी तरह वांडा उन तक पहुँचने में सफल रहती है। वो उन सबसे कहती है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे उसके बच्चों के पास जाने से रोक नहीं सकते। वांडा उन सबको बहुत सारे यूनिवर्सेस दिखाने लगती है जहाँ वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही है। स्ट्रेंज कहता है कि जिस यूनिवर्स में तुम जाओगे वहाँ के वांडा का क्या होगा, क्या वो उसे उसके बच्चों के साथ रहने देगी। और स्ट्रेंज वांडा पे हमला कर देता है, पर उसके पावर वांडा के सामने कुछ भी नहीं थे। वो स्ट्रेंज को दूर फेंक देती है, वॉन्ग को भी वो मारकर वहीं बेहोश कर देती है, और चैविस को पकड़कर उसकी पावर को उससे निकालने लगती है। चैविस की डर की वजह से वहाँ किसी और यूनिवर्स का पोर्टल खुलने लगता है, और तभी स्ट्रेंज धक्का देकर चैविस को लेकर उस पोर्टल में कूद जाता है, और वो दोनों कई सारे यूनिवर्सेस को पार करते हुए एक यूनिवर्स के न्यूयॉर्क शहर में पहुँचते हैं। स्ट्रेंज चैविस से कहता है कि उन्हें यहाँ से वापस उनके यूनिवर्स में जाना होगा, पर चैविस कहती है कि वो पोर्टल खोल नहीं सकती क्योंकि उसके पावर पर उसका कंट्रोल नहीं है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि उसका दूसरा वर्जन इस यूनिवर्स में जरूर होगा, वह शायद उसकी मदद कर सके, पर चैविस कहती है कि यहाँ उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है क्योंकि वो खुद उसी यूनिवर्स की है। वो कहती है कि वो स्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंढकर बुक ऑफ वैसेंटी का पता लगा सकते हैं, और शायद उसकी मदद से वो वांडा को रोक पाए। वो दोनों स्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ रास्ते में उन्हें एक मशीन दिखाई देती है जो लोगों की पुरानी यादों को वापस दिखाती थी। स्ट्रेंज उसमें देखता है जब वो क्रिस्टीन के साथ डेट पे गया था, उस दिन क्रिस्टीन ने उसे एक घड़ी गिफ्ट किया था। ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। चैविस भी अपनी यादों को देखती है जिसमें उसके साथ उसकी दोनों मॉम्स होती है, पर उसकी डर की वजह से वहाँ कई सारे मल्टीवर्सेस पोर्टल खुल जाते हैं जिससे उसकी मॉम्स किसी और यूनिवर्स में चली जाती है और वो किसी और में। स्ट्रेंज उसे कहता है कि एक दिन वो जरूर अपनी मॉम से मिल पाएगी। वो दोनों बात करते हुए स्ट्रेंज के घर के पास पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू दिखाई देती है जिस पे लिखा होता है कि वो थानोस से लड़ते हुए मारा गया। तभी वहाँ उन्हें कालमोडो दिखाई देता है जिसने स्ट्रेंज को पहली बार कमरताज पहुँचाया था। वो स्ट्रेंज को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। स्ट्रेंज उसे चैविस और अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे बताता है कि वांडा ने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है, इसलिए उसे रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। कालमोडो उन्हें बताता है कि उनके यूनिवर्स में भी डार्क होल्ड है जिसकी पावर से कोई भी इंसान अपने कॉन्शियस को किसी और यूनिवर्स के अपने दूसरे वर्जन में प्रोजेक्ट कर सकता है और उसकी बॉडी को पोजेस करके अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये पोजेशन परमानेंट नहीं होता है, पर इससे वो उस रियलिटी में काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। और अभी तक जो भी क्रिएचर चैविस का पीछा कर रहा था वो हो सकता है कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट विच ही हो, और इस पोजेशन को वो ड्रीम वॉकिंग कहते हैं। स्ट्रेंज उससे बुक ऑफ वैसांटी के बारे में पूछता है, पर उसे चक्कर आने लगता है। कालमोडो ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। इधर स्कारलेट विच अपने आप को उस यूनिवर्स के खुद की वर्जन में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ चैविस और डॉक्टर स्ट्रेंज थे। उसने वॉन्ग को अपने पास बांध करके रखा हुआ था। तभी वॉन्ग के पास उसका एक आदमी आता है और अपने चाकू से डार्क होल्ड की बुक को लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। वांडा का दूसरे यूनिवर्स से कनेक्शन टूट जाता है। वो देखती है कि बुक भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो गुस्से में वोंग को मारने लगती है और उससे डार्क होल्ड की स्पेल पूछने लगती है, क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम था और उसे इसके बारे में पता था। वो कमरताज के लोगों को मारने की धमकी देकर उससे वो स्पेल पूछती है। वोंग उसे बता देता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक कॉपी थी जिसमें वो स्पेल लिखे हुए थे, पर उसका असली पावर वांडा कोर में है, पर वहां तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है। पर वांडा उससे कहती है कि ऐसा करने वाले वो लोग पहले होंगे। इधर स्ट्रेंज की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक ग्लास सेल में पाता है। चैविस भी उसके बगल वाली सेल में थी। वो देखता है कि वहाँ क्रिस्टीन है। वो उसे बताती है कि वो लोग उसके लैब में रिसर्च पर्पस के लिए लाए गए हैं, क्योंकि वो किसी और यूनिवर्स से आए हैं, इसलिए वो लोग उसकी पूरी जांच करना चाहते हैं। तभी वहाँ कार्ल मोडो आता है और उसे कहता है कि वो लोग उसे इल्यूमिनाटी के सामने पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। स्ट्रेंज को समझ नहीं आता कि इल्यूमिनाटी क्या है। वांडा वोंग को लेकर वांडा कोर पहुंच चुकी थी। वहाँ वो एक टूटे हुए खंडर में पहुंचते हैं। वोंग बताता है कि यहीं सबसे पहले एक डेमन ने उस पावर को हासिल किया था और फिर बाद में उसे डार्क होल्ड बुक में लिखा गया। वांडा वहाँ लाइट जलाने लगती है। तभी चार बड़े मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर वो सब वांडा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ऐसा लगता है वो लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। इधर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। वहाँ हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं। कुछ और भी सुपर हीरोज वहाँ थे, जैसे कि ब्लैक बोल्ट, मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड। रिचर्ड स्ट्रेंज से कहता है कि उसका उनके यूनिवर्स में आना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कई मुसीबतें भी साथ आ सकती है और उसने नेचर के लॉ को भी तोड़ा है। उन लोगों ने इल्यूमिनाटी को बनाया ताकि डिफिकल्ट डिसीजन ले सके, इसलिए आज वो डिसाइड करेंगे कि उसके साथ उन्हें क्या करना चाहिए। स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है स्कारलेट विच के रूप में। रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वॉकिंग को लेकर स्कारलेट विच से उनके लिए ज्यादा खतरा उसके यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज था। वो उनसे कहता है कि क्या वो स्ट्रेंज जो थैनोस से लड़ता हुआ मारा गया। तभी वहाँ चार्ल्स आता है और कहता है कि इसे सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बताते हैं कि वो सब थैनोस के साथ वॉर में थे, पर स्ट्रेंज हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था। उसने डार्क होल्ड की पावर ली और ड्रीम वॉकिंग करना शुरू कर दिया, पर एक दिन उसने उन सबको बुलाया और कन्फेस किया कि वो ड्रीम वॉकिंग कर रहा है, और ऐसा करते हुए एक बार उससे गड़बड़ हो गई और उसकी वजह से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए, और उसे डर है कि उसकी वजह से वो दोबारा ऐसी गलती कर सकता है। उन सब ने बुक ऑफ वेसंटी की मदद से थैनोस को मारा, पर उनके सामने अभी भी दूसरा खतरा मौजूद था डॉक्टर स्ट्रेंज के रूप में, इसलिए उन सब ने ब्लैक बोर्ड की मदद से स्ट्रेंज को खत्म कर दिया। इधर वोंग वांडा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, पर वांडा उसे वहाँ के पहाड़ से नीचे फेंक देती है और अपना पोजेशन शुरू कर देती है। वो उस यूनिवर्स की वांडा को पोजेस करके अमेरिका चैविस के पीछे भेजती है। इल्यूमिनाटी के लोग अपने बिल्डिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं। वो कैमरे में देखते हैं वांडा ने उन पर हमला किया था। वो सब उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। चार्ल्स स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वो इस सेल से बाहर आ पाता है तो वो बुक ऑफ वेसंटी को लेने जाए जो वहाँ मौजूद है, और अमेरिका चैविस को किसी भी हालत में उस स्कारलेट विच से बचा कर रखे। वांडा क्रिस्टीन की लैब की तरफ बढ़ रही थी। वो उस रूम में पहुंचने ही वाली होती है कि उसके आगे सारे सुपर हीरो उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। रिचर्ड वांडा को रुक जाने को कहता है। वो कहता है कि ब्लैक बोर्ड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है, पर ब्लैक बोर्ड का पूरा मुंह ही सील हो चुका था और वो अंदर ही अंदर अपनी आवाज से ही फटकर मर जाता है। वो रिचर्ड को भी एक झटके में ही मार डालती है। कैप्टन कार्टर और मिस मार्बल उस पर हमला करती है। वो दोनों एक साथ उस पर हमला करके उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कैप्टन अपनी शील्ड से उस पर हमला करती है, पर वो उसकी शील्ड को पकड़कर जोर से उसी की तरफ फेंकती है और उसकी वजह से वो भी मारी जाती है। अब मिस मार्बल सिर्फ अकेले ही बची थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करती है, पर उसकी पावर को भी वांडा कुछ ही देर में खत्म कर देती है और वो दूर जाकर गिरती है। वो तुरंत उस पर एक बड़ा सा स्टैचू गिराकर उसे भी मार देती है। स्ट्रेंज अपने आप को सेल से बाहर निकालने के लिए मोडो को उकसाता है, और वो जैसे ही उसे मारने सेल के अंदर आता है, स्ट्रेंज उसे हराकर वहां से बाहर आ जाता है। इधर क्रिस्टीन चैविक को सेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो सेल जाम हो चुका था। वो उस ग्लास को तोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। तभी एक पंच से चैविस उस ग्लास को तोड़ देती है, पर तब तक वांडा वहाँ आ चुकी थी। तभी उसे रोकने वहाँ चार्ल्स आता है और उसके दिमाग से स्कारलेट विच को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर स्कारलेट विच उस पर भी हावी हो जाती है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे भी मार देती है। तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए उन दोनों को स्ट्रेंज मिलता है। क्रिस्टीन उन्हें लेकर बुक ऑफ वेसंटी के पास ले जाने लगती है। वो लोग एक टनल के थ्रू जा रहे होते हैं और उनके पीछे वांडा आ रही होती है। स्ट्रेंज किसी तरह से वांडा को वहीं टनल में दबाकर फंसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही खोल सकता था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है,
पर उससे वो खुलती नहीं है। क्रिस्टीन उसे स्ट्रेंज की घड़ी देती है जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल लेता है। वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के बीच के गैप का जंक्शन था। वहाँ बुक ऑफ वैसांटी रखी हुई थी। स्ट्रेंज जाकर उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है। तभी चैविस को वांडा अपनी तरफ खींचती है और वो अपने पावर से बुक ऑफ वैसांटी को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। वो चैविस को पकड़कर उसकी पावर को निकालने लगती है और फिर से चैविस की डर की वजह से वहाँ मल्टीवर्सेस पोर्टल खुल जाते हैं जिसमें वो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को फेंक देती है और उसके बाद वो एक पोर्टल खोलकर चैविस को स्कारलेट विच के पास भेज देती है और इसके बाद स्कारलेट विच वांडा से अपना पोजीशन हटा लेती है। वांडा को जैसे ही अपना ध्यान आता है वो अपने बच्चों के पास भागती है और इधर स्कारलेट विच चैविस को उठाकर बीच में रख देती है। क्रिस्टीन और स्ट्रेंज एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां कई सारे यूनिवर्स आपस में कोलाइड कर रहे थे। वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं। क्रिस्टीन को स्ट्रेंज बाहर ही छोड़कर अकेला ही उससे मिलने उसके घर जाता है। वो उससे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपने यूनिवर्स जाने में उसकी मदद मांगता है। वो देखता है कि उसके पास डार्क होल्ड की बुक है। वो स्ट्रेंज वहाँ से नीचे क्रिस्टीन को देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम क्रिस्टीन के बिना खुश हो, क्योंकि वो तो नहीं है। और तभी उसकी तीसरी आँख खुलती है। वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज़ करने देगा पर उसके बदले में उसे क्रिस्टीन उसे देना होगा। स्ट्रेंज उस पर हमला करने लगता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वार से वहाँ का स्ट्रेंज खिड़की को तोड़ता हुआ नीचे जाकर रॉड पे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है। डार्क होल्ड की बुक स्ट्रेंज को मिल चुकी थी। इधर पहाड़ से गिरकर वोंग भी मरा नहीं था, वो एक पत्थर पे अटका हुआ था। वो उठकर वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है जहाँ वांडा चैविस की पावर्स को निकालने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफ़ी करीब है और तब स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग करने का सोचता है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो उसकी बॉडी की हिफाजत करे जब डेमन सोल उस पर हमला करेंगे। स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज पर अपनी पोजीशन करता है जिसे उसने गाड़ दिया था। वो मरा हुआ स्ट्रेंज फिर से बाहर निकलकर खड़ा होने लगता है और उसे वो वेंडाकोर तक पहुंचा देता है। पर तभी बहुत से डेमन सोल उस पर हमला करने लगते हैं। वो डेमन्स कह रहे थे कि डेड बॉडी को पोजेस करना माफ़ी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन्स उस पर हमला करने लगते हैं। क्रिस्टीन उसकी बॉडी को डेमन से बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो वहाँ के सारे डेमन्स को फायर फ्लेम से ख़त्म कर देती है और स्ट्रेंज को जाकर संभालती है और कहती है कि वो उन डेमन स्पिरिट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। स्ट्रेंज उन सारे डेमन स्पिरिट की मदद से उड़ता हुआ स्कारलेट विच के पास पहुंचता है। वहां के चारों मॉन्स्टर स्ट्रेंज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर नीचे से वोंग एक को खींचकर वहां से नीचे गिरा देता है और बाकी तीनों को भी स्ट्रेंज उस पहाड़ से नीचे गिरा देता है। वो वांडा पे उन डेमन्स को डाल देता है जिसकी वजह से वोंग उसे किसी तरह कंट्रोल कर लेता है। वोंग उससे कहता है कि वो ज़्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाएगा, उसे चैविस की पावर को निकाल कर यूज़ करना होगा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। स्ट्रेंज चैविस की तरफ बढ़ता है। चैविस उसे कहती है कि वो अब समझ चुकी है कि उन्हें उसकी पावर क्यों चाहिए और वो अपने अंदर से उसे पावर निकाल लेने को कहती है। पर स्ट्रेंज उसे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया है बल्कि उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा करे, फिर वो अपने पावर को खुद कंट्रोल करने लगेगी और वो मिलकर स्कारलेट विच को हरा पाएंगे। अमेरिका अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तब तक वांडा भी छूट जाती है और वो स्ट्रेंज पे हमला करके उसे मारने लगती है। तभी चैविस आकर उसे एक पंच देती है। अब वो अपनी पावर को फील कर सकती थी। वो लगातार वांडा को मारने लगती है और एक पोर्टल खोलकर उसे खोलते हुए लावे में गिराने वाली होती है, पर वो रुक जाती है और कहती है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोर्टल खोल देती है जहां उसके दोनों बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। वहां उनकी मॉम वांडा आती है जिसे वो वहां से दूर फेंक देती है और कहती है कि वो उनकी मॉम है। वो दोनों बच्चे स्कारलेट विच पर चीज़ें फेंक कर मारने लगते हैं और वो उससे डरकर छुपने लगते हैं। वो उनके पास पहुंचकर कहती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं है, और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। उसकी दूसरी वर्जन वांडा उसके पास आती है और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरती है और तब चैविस उस पोर्टल को बंद कर देती है। वांडा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वोंग और चैविस वहां से पोर्टल खोलकर स्ट्रेंज को लाने चले जाते हैं। वांडा वहां के सब कुछ को तोड़कर बर्बाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए। स्ट्रेंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड की बुक डिस्ट्रॉय हो गई है। वांडा ने हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था। वोंग और चैविस स्ट्रेंज को लेने के लिए वहां आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका चैविस भी कमर ताज में सीखने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।